आज हम हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंजेक्शन फेज के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि HPDC डाई कास्टिंग में 3 इंजेक्शन फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस को भी जानेंगे। फिलिंग रेशियो टनेज कैलकुलेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इंजेक्शन फेज को समझने के लिए भी पहले फिलिंग रेशियो को समझना इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ ये समझेंगे कि फिलिंग रेशियो और इंजेक्शन फेज में क्या रिलेशन है। फिलिंग रेशियो हम परसेंटेज में निकालते हैं। ये परसेंटेज पोर्ड अलॉय का होता है कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्लिप चैम्बर। फिलिंग रेशियो इंजेक्शन फेज के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डाई कास्टिंग के एक बड़े प्रॉब्लम से लिंक्ड। कैविटी फिलिंग के समय एयर को बहुत कम समय में बाहर निकलना होता है, यही कारण है कि हमें हाई फिलिंग रेशियो के साथ काम करना अच्छा होता है। मगर हम अक्सर लो फिलिंग रेशियो के साथ वर्क करते हैं क्योंकि हम हमेशा हाई फिलिंग रेशियो के साथ वर्क नहीं कर सकते, जिसके कारण हमारा कास्टिंग डिफेक्ट पोरोसिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा फर्स्ट फेज ट्रबल ज्यादा और सेकेंड फेज ट्रबल कम होता है। फर्स्ट फेज में मोल्टन मेटल को कैविटी से गेप तक पहुंचाया जाता है। यदि फिलिंग रेशियो कम होता है तो पिस्टन को मोल्टन मेटल को गेट तक पहुंचाने में अधिक ट्रेवल करना पड़ता है। जितना ज्यादा ट्रेवल फर्स्ट फेज में होता है उतना ही एयर के मोल्टन मेटल में मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड फेज में कैविटी फिलिंग होता है और सेकेंड फेज ट्रेवल कम होने से कैविटी का एयर निकलने में प्रॉब्लम होता है। हमें अक्सर लो फिलिंग रेशियो इसलिए चुनना पड़ता है क्योंकि यदि हमें हाई फिलिंग रेशियो चाहिए तो हमें शॉर्ट स्लिप को 60-80% तक भरना होगा। हो सकता है हम सोचे हम एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल डाल दें, बट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम शॉर्ट स्लिप में रिक्वायरमेंट के अनुसार ही मोल्टन मेटल डालते हैं। तो अब यदि हमें फिलिंग रेशियो बढ़ाना है तो हमें स्लिप डायमीटर घटाना पड़ेगा। शॉर्ट स्लिप डायमीटर घटाने से हमारा फिलिंग रेशियो बढ़ जाएगा और फर्स्ट फेज ट्रबल भी कम हो जाएगी। एयर मोल्टन मेटल के साथ कम मिक्स होगा, बट इससे हमारा सेकेंड फेज ट्रबल काफी बढ़ जाएगा। हमें पता है कि सेकेंड फेज ट्रबल कैविटी फिलिंग के लिए होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसे फिलिंग टाइम के अंदर कंप्लीट करें। फिलिंग टाइम हमारा बहुत कम होता है और सेकेंड फेज ट्रबल ज्यादा होता है तो हमें सेकेंड फेज वेलोसिटी बहुत अधिक रखनी पड़ेगी, जिससे मशीन पावर की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है और प्लंजर भी फंसने के चांसेस होता है। हमें अक्सर लो फिलिंग रेशियो के साथ इसलिए काम करना पड़ता है क्योंकि फिलिंग टाइम फिलिंग रेशियो से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं डिजाइन लेवल में। फिलिंग रेशियो के बारे में हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि वो इंजेक्शन फेज से कैसे रिलेट है। यहाँ पे हम फिलिंग रेशियो के फार्मूला के बारे में जानेंगे। फिलिंग रेशियो का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ पोर्ड अलॉय डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्लिप चैम्बर इंटू 100। फिलिंग रेशियो हमारा हमेशा परसेंटेज में आता है। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ पोर्ड अलॉय है शॉर्ट वॉल्यूम है उसके बराबर होता है। शॉर्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कास्टिंग, जो हमारा कास्टिंग का वॉल्यूम है, प्लस ओवरफ्लो, प्लस रनर का वॉल्यूम, प्लस बिस्किट का वॉल्यूम। तो यदि हमें ओवरफ्लो और रनर का वॉल्यूम पता नहीं है तो हम इसे 40% ऑफ कास्टिंग वॉल्यूम लेते हैं। यदि हमें शॉर्ट का वेट पता है तो हमें यदि उसका वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पोर्ड अलॉय इक्वल टू कंप्लीट शॉर्ट वेट डिवाइड बाय डेंसिटी। यहाँ पे जो डेंसिटी यूज होगी वो लिक्विड स्टेट की डेंसिटी यूज होगी एल्युमिनियम की, जो कि है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्लिप चैम्बर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है प्लंजर एरिया इंटू एक्टिव स्लिप लेंथ। एक्टिव स्लिप लेंथ निकालने के लिए हमें प्लंजर स्टॉक माइनस प्लंजर टिप पेनिट्रेशन प्लस स्क्रू बूस माइनस कोर हाइट, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप ये लेआउट से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो प्लंजर टिप पेनिट्रेशन क्या है, स्क्रू बूस लेंथ क्या है और बिस्किट थिकनेस क्या है और यहाँ पे जो डिफ्यूजर की कोर हाइट है वो क्या है और यहाँ पे आपको एक्टिव स्लिप लेंथ दिखाया गया है। प्लंजर स्टॉक जो है टोटल यहाँ पे दिखाया गया है,
यहाँ पे फॉर्मूला आप इसे हमने पिछले जो हमारा डाई कास्टिंग डाई डिज़ाइन में जो प्लेलिस्ट है उसमें भी हमने इसके बारे में डिटेल में बात की है, तो आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन फेज के फर्स्ट फेज के बारे में। फर्स्ट इंजेक्शन फेज फ्री फिलिंग फेज होता है। इस फेज में मोल्टन मटेरियल को शॉर्ट स्लिप चैम्बर से कैविटी के इन गेट के पास तक बहुत ही स्लो वेलोसिटी से पहुंचाया जाता है ताकि कम से कम एयर मोल्टन मटेरियल के साथ मिक्स हो। इसकी वेलोसिटी अप्रॉक्स 0.05 मीटर पर सेकेंड से 0.7 मीटर पर सेकेंड तक हो सकती है। मोल्टन मटेरियल को कैविटी गेट तक पहुंचाने के लिए जो ट्रेवल पिस्टन को करना पड़ता है उसे फर्स्ट फेज इंजेक्शन ट्रेवल कहते हैं। मोल्टन मटेरियल के गेट तक पहुंचते ही फर्स्ट फेज एंड हो जाता है और सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है। इसलिए फर्स्ट फेज के एंड में पिस्टन जिस पॉइंट में होता है उसे इंटरवेंशन पॉइंट ऑफ सेकेंड फेज भी बोला जाता है। यदि हमारा सेकेंड फेज का इंटरवेंशन पॉइंट कैविटी के गेट तक मटेरियल के पहुंचने से पहले हो तो पोरोसिटी के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मटेरियल के गेट तक पहुंचने से पहले ही सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है और सेकेंड फेज की वेलोसिटी हाई होती है जिससे मोल्टन मटेरियल में एयर मिक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिससे पोरोसिटी डिफेक्ट क्रिएट होता है। दूसरी तरफ सेकेंड फेज इंटरवेंशन पॉइंट कैविटी के गेट तक मटेरियल पहुंचने के बाद हो तो इसका मतलब यह है कि हमारा कैविटी फर्स्ट फेज में ही भर रही है जो कि स्लो फेज है, जिसके कारण हमारा फिलिंग टाइम लंबा हो जाएगा और पूरी कैविटी फिल होने से पहले ही हमारा फर्स्ट एंट्री मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाएगा और कैविटी को पूरा भरने से रोक देगा जिससे नन फिलिंग की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें फर्स्ट फेज ट्रेवल लेंथ पता हो। मोमेंट ऑफ फर्स्ट इंजेक्शन फेज। फर्स्ट फेज का लेंथ मेजर होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पिस्टन ट्रेवल से इंटरवेंशन पॉइंट ऑफ सेकेंड फेज तक। हमें पता है कि फर्स्ट फेज में मोल्टन मटेरियल कैविटी के गेट तक पहुंच जाता है। यहाँ आप फर्स्ट फेज के स्टार्टिंग में मोल्टन मटेरियल की कंडीशन देख सकते हैं और फर्स्ट फेज के एंडिंग में मोल्टन मटेरियल की कंडीशन देख सकते हैं। ट्रेवल ऑफ फर्स्ट इंजेक्शन फेज निकालने का फॉर्मूला एक्टिव स्लीव लेंथ माइनस सेकेंड फेज ट्रेवल लेंथ माइनस बिस्किट थिकनेस है। तो इससे ये पता चलता है कि यदि हमें फर्स्ट फेज ट्रेवल निकालना है तो हमें पहले सेकेंड फेज ट्रेवल निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंजेक्शन फेज। हमें पता है कि फर्स्ट फेज ट्रेवल में प्लंजर की वेलोसिटी स्लो होती है। नाटका के अकॉर्डिंग क्रिटिकल स्लो शॉर्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि डिपेंड है फिलिंग परसेंटेज पे और डायमीटर ऑफ प्लंजर पे। यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया गया है क्रिटिकल स्लो वेलोसिटी का। यहाँ पे जो सी है वो एक कांस्टेंट है। यदि आप मीटर में यूज कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 0.579 मीटर 0.5 पर सेकेंड है और यदि आप इंच में यूज कर रहे हैं तो ये 22.8 इंच 0.5 पर सेकेंड है। यहाँ पे जो FI है वो फिलिंग रेशियो है और DPT हमारा जो है डायमीटर ऑफ प्लंजर टिप या प्लंजर डायमीटर है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है ये मीटर 0.5 पर सेकेंड पे है तो इसे यहाँ पे कांस्टेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट के अंदर यहाँ पे आएगा। जो हमारा स्टैंडर्ड स्लो वेलोसिटी होती है वो 0.05 मीटर पर सेकेंड से 0.7 मीटर पर सेकेंड तक होती है। इससे पहले हमने फर्स्ट फेज के बारे में जाना, अब हम सेकेंड फेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड फेज देख सकते हैं। मोल्टन मटेरियल की कंडीशन स्टार्टिंग में जो हमारा सेकेंड फेज में जो मटेरियल है वो कैविटी के गेट तक रहता है, एंड में हमारा कैविटी और ओवरफ्लो फिल हो जाता है। सेकेंड फेज इसमें जो हमारी प्लंजर की वेलोसिटी होती है ये काफी हाई होती है जो कि 0.4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड तक
होती है, जिसके कारण यहाँ पे एयर को काफी डिफिकल्टी होती है वेंटिंग कराने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे चिल वेंट और एयर वेंट देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फेज ट्रेवल की लेंथ, ट्रेवल और सेकेंड फेज ट्रेवल और बिस्किट। हमारा जो बिस्किट है वो सेकेंड फेज के बाद यहाँ पे बच जाता है, जो कि नेक्स्ट हमारा जो थर्ड फेज होता है उसमें यूज होता है, श्रिंकेज जो आती है सॉलिडिफिकेशन के दौरान उसको फिल करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। मोमेंट ऑफ सेकेंड इंजेक्शन फेज, सेकेंड इंजेक्शन फेज का लेंथ मेजर होता है इंटरवेंशन पॉइंट ऑफ सेकेंड फेज से एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड फेज तक। सेकेंड फेज कंप्लीट होते ही हमारा जो कैविटी और ओवरफ्लो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है। जो सेकेंड फेज का मोमेंट है वो डिपेंड करता है हमारा कास्टिंग का वॉल्यूम आफ्टर गेट और प्लंजर के क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ सेकेंड इंजेक्शन फेज का वो है वॉल्यूम आफ्टर गेट डिवाइड बाई प्लंजर एरिया। इससे हमारा सेकेंड फेज का ट्रेवल या मोमेंट निकल जाता है। तो हमने पहले भी देखा था कि फर्स्ट इंजेक्शन फेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमारे यहाँ पे सेकेंड फेज निकालना जरूरी है, तो अब हम फर्स्ट इंजेक्शन ट्रेवल भी निकाल सकते हैं। ट्रेवल ऑफ फर्स्ट इंजेक्शन फेज इक्वल टू एक्टिव स्लीव लेंथ माइनस सेकेंड फेज, जो कि अभी हमने यहाँ पे निकाला इस फॉर्मूला से, माइनस बिस्किट थिकनेस। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इंजेक्शन फेज, सेकेंड फेज में पिस्टन की वेलोसिटी हाई होती है। हमें पता है कि फर्स्ट फेज में मटेरियल कैविटी के गेट तक पहुंच गया है, सेकेंड फेज में हमें कैविटी को रिक्वायर्ड फील्ड टाइम के अंदर भरना होगा, इसलिए हमें वेलोसिटी हाई रखनी होती है। गेट एरिया को हम फील्ड टाइम के अनुसार निकालते हैं, हमें इसे एक वीडियो में बताया है हाउ टू कैलकुलेट गेट एरिया, आप हमारे डाई कास्टिंग के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम जानते हैं कि प्लंजर एरिया इंटू प्लंजर वेलोसिटी इक्वल टू गेट एरिया इंटू गेट वेलोसिटी। इसी तरह यदि हमें सेकेंड फेज की प्लंजर वेलोसिटी निकालनी है तो हमारा फार्मूला हो जाता है प्लंजर वेलोसिटी इक्वल टू गेट एरिया इंटू गेट वेलोसिटी डिवाइड बाई प्लंजर एरिया। गेट वेलोसिटी हम 30-40 मीटर पर सेकेंड के अंदर ले सकते हैं। गेट एरिया निकालने के लिए जो हमने वीडियो बनाया है आप उसे देख सकते हैं, हमारे डायकास्टिंग प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब हम थर्ड फेज के बारे में बात करेंगे। थर्ड फेज हमारा मोल्ड फिलिंग के बाद स्टार्ट होता है। मोल्ड फिलिंग के बाद मोल्टेन मटेरियल सॉलिडिफाई होने लगता है। सॉलिडिफिकेशन के दौरान मटेरियल श्रिंक होता है, इसी दौरान एक्स्ट्रा मटेरियल को कैविटी के अंदर हाई प्रेशर के साथ एक टाइम तक प्रेस किया जाता है। इससे हमारा श्रिंकेज पोरोसिटी रिड्यूस होता है, कंपोनेंट की स्ट्रेंथ और डायमेंशन एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होती है। यह सॉलिडिफिकेशन क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल के लिए एल्युमिनियम एलॉय की सॉलिड स्टेट में डेंसिटी 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और लिक्विड स्टेट में डेंसिटी 2.35 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इससे हमें यह समझ आता है कि एल्युमिनियम एलॉय की लिक्विड डेंसिटी स्टेट में सॉलिड स्टेट से कम है। लिक्विड एल्युमिनियम एलॉय ज़्यादा स्पेस लेता है कंपेयर टू सॉलिड। जब एल्युमिनियम सॉलिडिफाई होने लगता है कुछ स्पेस खाली होने लगता है। इसी एक्स्ट्रा स्पेस को भरने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल को हाई प्रेशर से कैविटी के अंदर की ओर प्रेस किया जाता है ताकि खाली स्पेस फुल हो जाए और कोई कास्टिंग डिफेक्ट ना हो। इंजेक्शन प्रेशर एट प्लंजर टिप या इंटेंसिफिकेशन प्रेशर, इंटेंसिफिकेशन प्रेशर हमारा अलग अलग कास्टिंग टाइप के लिए अलग अलग होता है। जैसे स्टैंडर्ड कास्टिंग के लिए हमारा इंटेंसिफिकेशन प्रेशर 600 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फॉर टेक्निकल कास्टिंग 600 से 800 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फॉर प्रेशर टेस्टिंग कास्टिंग के लिए 800 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये जो हमारा इंजेक्शन प्रेशर एट प्लंजर है ये हमारा प्लंजर टिप पे यहाँ पे जनरेट होता है। इस इंजेक्शन प्रेशर को जनरेट करने के लिए हमारे मशीन में जो सिलेंडर होता है उस पर एक हाइड्रोलिक
प्रेशर अप्लाई होता है, उसके कारण वो सिलेंडर डाया पे हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई होता है और वो आगे जाके प्लंजर डाया पे वो हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लंजर का डायमीटर कम होता है। तो इंजेक्शन प्रेशर एट सिलेंडर, मशीन सिलेंडर निकालने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला है, उसे आप हाइड्रोलिक प्रेशर भी कह सकते हैं, कितना रिक्वायर्ड है ये इंटेंसिफिकेशन प्रेशर जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कास्टिंग के लिए 600 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंजेक्शन प्रेशर यदि हमें जनरेट करना है तो हमें कितना हाइड्रोलिक प्रेशर हमें मशीन के सिलेंडर पे अप्लाई करना होगा। उसके लिए फार्मूला है इंजेक्शन प्रेशर या हाइड्रोलिक प्रेशर इक्वल टू सिलेंडर डाया डिवाइड बाय प्लंजर डाया इनटू इंजेक्शन प्रेशर एट प्लंजर। ये इंटेंसिफिकेशन प्रेशर हमारा थर्ड फेज में लगता है जब सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस चल रहा होता है। सॉलिडिफिकेशन, हमें पता है कि सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस थर्ड फेज में स्टार्ट होता है। एक अच्छा डायकास्टिंग पार्ट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होने से पहले सेकेंड फेज में कैविटी पूरी तरह फिल हो जाए और कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस इंटेंसिफिकेशन प्रेशर के दौरान थर्ड फेज में हो। सॉलिडिफिकेशन का टाइम ड्यूरेशन बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है, जैसे सॉलिडिफिकेशन रेंज, डिफरेंट एलॉय के लिए स्टार्टिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन और एंडिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन का टेम्परेचर रेंज अलग अलग होता है। टेम्परेचर ऑफ मेटल, टेम्परेचर ऑफ डाई, थिकनेस ऑफ कास्टिंग। सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ एल्युमिनियम एलॉय अप्रोक्स 3-4 सेकेंड तक का होता है। सॉलिडिफिकेशन टाइम को हम सिमुलेशन से निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैविटी का गेट कैविटी के बाद सॉलिडिफाई हो ताकि हमारा इंटेंसिफिकेशन प्रोसेस कैविटी में अप्लाई होता रहे। यदि गेट पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा तो प्रेशर कैविटी में अप्लाई नहीं हो पाएगा। सबसे बाद में रनर और बिस्किट सॉलिडिफाई होते हैं। बिस्किट की थिकनेस ज़्यादा इसलिए रखी जाती है ताकि वो रनर के बाद सॉलिडिफाई हो। जब हमारा कास्टिंग और कंप्लीट शॉट सॉलिडिफाई और डायमेंशनली स्टेबल हो जाता है तो हमें शॉट को तुरंत कैविटी से बाहर निकाल लेना चाहिए। निकालते समय हमारा सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट और शॉट का टेम्परेचर 350 से 250 के अंदर हो। यदि टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाएगा तो कास्टिंग श्रिंक होगा और कैविटी में फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप न्यू हैं तो, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।